bum 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 bum. Oh, hi. 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 Come. Hi. Hey, Bobby. सिमरन नजर नहीं आ रही। ओए सिमरन हो या सुनीता, क्या फर्क पड़ता है यार। हेलो, हाउ डू यू डू मिस ब्यूटीफुल। आई एम जसबीर वालिया फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लोर। अदिति मायास फ्रेंड। मायास फ्रेंड, नाइस नाइस। अदिति कम कम कम। हे आई एम यू। ओके एवरीबॉडी, गर्ल्स पार्टी इस कमरे में, मैच उस कमरे में। सो सुमित, मैच तो होता रहेगा ब्रो, लेट्स टुडे डू गर्ल्स पार्टी। मैच नो इंटरेस्ट ब्रो, दिस इज इंटरेस्ट। और तुम लोग भी अंदर चलो ना, मैच अंदर ही देखते हैं। सुमित थैंक यू सो मच। छोटे टीवी पे छक्के भी चौके लगेंगे। ठीक है, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं अंदर स्नैक्स बेचती रहूंगी। खुश? चिकन कटलेट मत भूलना। ओके गाइस, रजनीश अंदर चलना यार। पहले सिमरन को हाय तो बोलने दे। हाय। हेलो जी। एक बात कहूं, आप वर्दी में बड़े ही डैशिंग लगते हैं। अब चोरों चक्कों पे भी तो अच्छा इंप्रेशन जमाना पड़ता है ना। जोक। अबे T20 है, टेस्ट मैच नहीं। बाकी क्या है बाद में भर लेना। मोनू देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। चिकन लॉलीपॉप। मोनू सोनू तो कह रहा था कि तुम लोग मैच देख रहे हो, तूने बताया नहीं यहाँ पे पार्टी हो रही है। नहीं मम्मी जी, पार्टी नहीं है, माया की फ्रेंड है ना अदिति, वो हनीमून से वापस आई है तो इसके लिए एक छोटी सी गैदरिंग रखी है। मतलब पार्टी ना। हमें अगर शादी का कोई कार्ड भी दे जाता है ना तो हम एक और कार्ड मांगते तुम दोनों के लिए, अपनी अपनी श्रद्धाएं। सुमित मैंने कहा था ना मम्मी जी को इनवाइट करने के लिए, तुमने नहीं किया। मैं भूल गया हूँ, I'm sorry। मुझे सुमित बिना, तुम कटलेट लो ये दीजिए और आइए ना, पास्ता ही बना रहे हैं हम लोग। पास्ता? हाँ। धनिया का पाउडर डाला? धनिया पाउडर? हाँ, मेरी स्पेशल रेसिपी है। पास्ता में धनिया का पाउडर डालो ना तो बिल्कुल विलायती खाना लगता ही नहीं। तो देखती जाओ ऐसे बनता है पास्ता। आंटी मैं वीडियो बनाऊं? हाँ बनाओ। बहुत गर्म है यार। माय, आई एम सो सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुमने मुझे मम्मी जी को इनवाइट करने के लिए कहा था। ये मैंने कभी कहा ही नहीं। इतने टाइम से पार्टी प्लान कर रखी है सुमित, मैं नहीं चाहती थी कि आज भी मम्मी जी अपनी टांग अड़ाए। माया असली घी कहाँ है? घी? हाँ घी का तड़का लगेगा ना पास्ता में। कुछ भी हो जाए कटलेट की सप्लाई मत बंद करो। कहाँ है माया? दिखाती हूँ मम्मी जी। बाय माया। अब बाय बाय बाय। अरे माया बेटा, ये तेरी दोस्त चली क्यों गई सब के सब? अब इतना सारा खाना मेरे को ही खाना पड़ेगा। मेरी पार्टी, मेरा डिनर, सब कुछ। माया बेटा, किसी की पार्टी फ्लॉप हो जाए किसको अच्छा लगता है ना। पास्ता मैंने बनाया है। ठीक है नहीं खाता। अरे मोनू, तेरे पापा जी से बचा के ना बच्चों के लिए खीर लेके आई हूँ। इसी बहाने बच्चों को घर का खाना नसीब होगा ना। थैंक यू मम्मी जी। अरे स्टैम्प पेपर, हे भगवान, बात इतनी आगे बढ़ गई, मतलब वकील तक पहुंच गई। नहीं मम्मी जी, आई एम सॉरी, हम तलाक नहीं ले रहे, वसीयत बनवा रहे।
पहले बोल देना चाहिए था ना। अरे ये तो अच्छी बात है, पता है आजकल ना हर किसी को किसी भी बात के लिए तैयार रहना चाहिए। जी मम्मी जी। और तुम लोग चिंता मत करो, भगवान ना करे अगर कुछ हो गया ना तुम दोनों को तो मैं संभालूंगी बच्चों को। एक्चुअली वो मम्मी जी, सुमित और मैंने बहुत सोच के ये फैसला लिया है कि खीर चलो खाते हैं। अभी कटोरी लाती हूँ। उनको बताने की क्या जरूरत है? मैं नहीं बताऊंगी तो क्या तुम बताओगे? कोई नहीं बताएगा, जब मैं मरूंगा तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। रिश्तों के मामलों में सच्चाई ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। क्या खुशी पसुर हो रही है? मम्मी जी, सुमित और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है कि हमारी वसीयत में हम बच्चों के गार्डियंस मेरे मॉम डैड को बना रहे हैं। खीर। मेरे दूध में कुछ कमी रह गई थी क्या? नहीं मम्मी जी, दूध बिल्कुल परफेक्ट है खीर में। उड़ा ले मेरा मजाक, तुझे तो मेरी जरूरत ही नहीं है अब। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। मैं जानती हूँ माया, मैं जानती हूँ इस घर में ना मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। इस बात से मैंने एक सीख ली है कि जिंदगी में कभी किसी से कोई उम्मीद ही मत रखो। हाँ। प्लीज मम्मी जी आप डॉली, खीर कहाँ है? आपने सुना, हम ना बच्चों की देखभाल करने के लायक ही नहीं है। बच्चे गए भाड़ में, खीर कहाँ है? और तू तो जरा भी लायक नहीं है, तेरा भाई तुझे नालायक समझता है। वो तो मैं जानता हूँ मम्मी जी, लेकिन इस बार भी मैंने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया भैया, हम वसीयत में बच्चों के गार्डियंस चूज कर रहे थे। एक मिनट, ये वसीयत में गार्डन में मेरा नाम तो नहीं है ना? पापा जी आप बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते? अबे तुम दोनों को पाल पोस के मुस्टंडा बना दिया, ये क्या कम है? तुम्हारे पोता पोती है वो। तो तेरे भी तो है, तू झेल उनको। तो मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। अच्छा बेटा, फाइनली बच्चे किसके सर पे धरे? मेरे मॉम डैड के। मार्नवस, मार्नवस। अब बजेगी उनकी बैंड। बोलू, तुझे मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था? अरे आलिया और रवि को मैं इतना प्यार करूंगा, तू मर के तो देख। थैंक यू, पर मेरा कोई प्लान नहीं है मरने का। सोनू, मुझे पता है तुझे बच्चों की कितनी फिक्र है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों मिलकर ना बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे, ये ले खा ले। डॉली पागल हो गई क्या तू? दो बच्चे बड़े कर लिए, अब दोबारा से पैरों में भेड़िया डालना चाहती है क्या? अबे द मैन, द फ्री, द इंडिपेंडेंस, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ। अबे खाने से याद आया, खीर कहाँ है मेरी? सोनू को दे दी, उसको ज्यादा जरूरत थी। अबे ठुल्ले, खीर दे मेरी। मोनू, मैं जानती हूं तुम लोगों ने हमारा नाम वसीयत में क्यों नहीं रखा, पापा जी की वजह से ना। चिंता मत कर, मैं ना बच्चों के लिए पापा जी को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। बम 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 बरा बिली बिली बम बे बिली बम 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 बे ओ बम 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 बरा बम 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 बरा बिली बिली बम बे बिली बम 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 बे